हाय गाइस, दिस इज मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 10 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सरसाइज 14 से क्लास 7th RS अग्रवाल की बुक है फ्रेंड्स मैथ्स की। गिवन है 9 नंबर क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ABCD पैरेलल लाइंस हैं एंड अ ट्रांसवर्सल EF कट्स डैम एट GNH रिस्पेक्टिवली। इफ GL एंड HM आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स एंगल AGH एंड एंगल GHD रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट GL पैरेलल टू HM। ओके फ्रेंड्स, और ये इस तरीके से यहाँ पे इसका फिगर गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। यहाँ पे AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, EF ट्रांसवर्सल है, जी और एच पर कट करती है AB को। ओके फ्रेंड्स, GL एंड HM बाइसेक्टर हैं एंगल अल्टरनेट एंगल्स AGH एंड GHD के। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम समझेंगे फिगर से, एंगल AGH एंड GHD दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं रिस्पेक्टिवली GL एंड HM। बाइसेक्टर है मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, इसी तरीके से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। हमें प्रूफ करना कि GL और HM भी पैरेलल है, ये GL और HM पैरेलल है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AB और CD पैरेलल हैं, EF ट्रांसवर्सल है, देन क्या है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स AGH और GHD दोनों इक्वल होंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि GL और HM बाइसेक्टर है अल्टरनेट एंगल्स AGH एंड GHD के, मीन्स दोनों जब एंगल इक्वल हैं तो दोनों एंगल के हाफ भी इक्वल होंगे, मीन्स एंगल LGH इक्वल हो जाएगा एंगल MGH के। यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये अलग से भी सॉल्व किया है। दोनों साइड हम 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, 1/2 1/2 कैंसिल होगा। या तो फ्रेंड्स AGH एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं LGH। इसी तरीके से GHD एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, GHM। ओके फ्रेंड्स, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की है, बट क्या है LGH एंड MGH क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं लाइंस GL एंड HM के लिए, और यहाँ पे GH पैर ट्रांसवर्सल हो गई, देन क्या हो जाएगा GL और HM क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिगर को एनालाइज करना है और लाइन बाई लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, एंगल ABA 120 डिग्री गिवन है, एंगल ECD 100 डिग्री, एंगल BEC x डिग्री है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हिंट गिवन है फ्रेंड्स कि हमें FEG ड्रॉ करना है जो कि AB और CD के पैरेलल हो। इस तरीके से यहाँ पे फिगर गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स इसको। ऐसे हमने फिगर को ड्रॉ किया, यहाँ AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं, एंगल ABE गिवन है 120 डिग्री, ये वाला एंगल ABE, एंगल ECD गिवन है 100 डिग्री, एंगल BEC है x डिग्री, जहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ड्रॉ क्या किया है, EFG जो कि AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम देख सकते हैं कि EFG और AB दोनों पैरेलल लाइंस हैं और BE ट्रांसवर्सल है। ये लाइन फ्रेंड्स और ये पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई, देन क्या होगा अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, या तो फ्रेंड्स ये भी हम कह सकते हैं, हमने ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमने ये यहाँ पे यूज़ किया है, मिस एंगल ABE प्लस एंगल BEF क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। BEF कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल है, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ABE की वैल्यू पुट करेंगे 120। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 120 प्लस BEF इज इक्वल टू 180, 120 राइट में आएगा, माइनस में हो गया, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया फ्रेंड्स एंगल BEF। ओके, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से FEG लाइन जो है वो CD के भी पैरेलल है, और इस बार CE ट्रांसवर्सल लेंगे हम। फिगर से देख सकते हैं कि CD और FEG पैरेलल लाइन हो गई, CD ट्रांसवर्सल हो गई, देन क्या होगा यहाँ भी
कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ई सी डी प्लस सी ई जी 180 डिग्री, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वैल्यू पुट करेंगे, ई सी डी 100 डिग्री गिवेन है क्वेश्चन में, प्लस सी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 100 राइट में आएगा, माइनस में हो गया, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमें मिल गया एंगल सी ई जी, यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमें 80 डिग्री मिल गया है और ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एफ ई जी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देन क्या होगा, एफ ई जी एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ई पे सेम साइड ऑफ द लाइन 1 2 3, यहाँ तीन एंगल बनना है, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल्स हमें पता है, तीसरे की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंगल बी ई एफ पहले हमने फाइंड किया 60 डिग्री, एंगल बी ई सी एक्स डिग्री है जो कि हमें फाइंड करना है, एंगल सी ई जी अभी हमने फाइंड किया 80 डिग्री, ये भी हमने वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री एट पॉइंट ई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन हमें इजीली एक्स की वैल्यू को मिल जाएगी, यहाँ पे 60 प्लस 80 140, इसको राइट में लाएंगे, माइनस में हो गया, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू हमें 40 डिग्री मिल गया, हेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बहुत इजीली एक्स की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमने सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब।